कुलदीप यादव भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में एक गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने मार्च 2017 से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं कुलदीप यादव के बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। कुलदीप यादव का जन्म 14 दिसंबर 1994 कानपुर उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। इनके पिता का नाम राम सिंह यादव और इनकी माता का नाम उषा यादव है और इनकी बहनों का नाम अनिता यादव, मधु यादव और अनुष्का यादव है। और वर्तमान में जो इनका गृह निवास यानी घर है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश भारत। जाति और धर्म से कुलदीप यादव एक भारतीय यानी एक इंडियन है। कुलदीप यादव बाएं हाथ के बॉलर यानी गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के बैटर यानी बल्लेबाज हैं। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर यानी गेंदबाजी की है और इनकी जर्सी नंबर यानी इनका शर्ट नंबर है 23। कुलदीप यादव की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 69। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 9 जुलाई 2017 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 217। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 23 जून 2017 को ये भी वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला और टेस्ट में इनकी कैप नंबर है 288। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 25 मार्च 2017 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। और कुलदीप यादव डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू स्तर पर 2009 से उत्तर प्रदेश टीम से और 2012 से IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग से खेलते हैं। इनके कोच का नाम है कपिल पांडे। कुलदीप यादव ने कर्मा देवी मेमोरियल एकेडमी वर्ल्ड स्कूल कानपुर से अपनी पढ़ाई पूरी की और इनके पिता चाहते थे कि कुलदीप एक क्रिकेटर बने। कुलदीप को कोच कपिल पांडे के पास ले गए और क्रिकेट की तैयारी शुरू करवाई। कुलदीप महान गेंदबाज वासिम अकरम और जाहिर खान से प्रेरित होकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन इनके कोच ने इन्हें स्लो रिस्ट स्पिन गेंदबाज बनने पर जोर दिया और तब से इन्होंने शेन वॉन की गेंदबाजी को फॉलो किया और उन्हें अपना आदर्श बना लिया। 2012 में कुलदीप यादव IPL टीम मुंबई इंडियंस के सदस्य थे और 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें अपनी टीम के लिए साइन किया और फरवरी 2022 में इन्हें इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की नीलामी में दिल्ली कैपिटल द्वारा खरीदा गया। कुलदीप यादव को 25 मार्च 2017 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार 4 विकेट लेकर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने और 23 जून 2017 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत के लिए अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जहां इन्होंने एक मैच में 3 विकेट लिए और 9 जुलाई 2017 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत के लिए अपना 2020 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण भी किया। और 21 सितंबर 2017 को कुलदीप यादव, चेतन शर्मा और कपिल देव के बाद वनडे में हैट्रिक लेने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज बने। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन कोलकाता में हैट्रिक ली और इन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। फिर 3 जुलाई 2018 को कुलदीप यादव ने T20I में अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया और इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2020 के दौरान T20I में 5 विकेट लेने वाले पहले बाएं हाथ के रिस्ट स्पिन गेंदबाज भी बने और 12 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच के दौरान कुलदीप यादव ने एक वनडे में अपना 5 विकेट हॉल लिया और एक वनडे में बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का नया रिकॉर्ड बनाया और इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैचों में स्पिनर द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को भी तोड़ा और 6 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में कुलदीप ने टेस्ट में अपना 5 विकेट हॉल लिया। फिर 6 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में और ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कुलदीप ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में टेस्ट में अपना दूसरा 5 विकेट हॉल लिया और 11 फरवरी 2019 को कुलदीप यादव T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आए और 2019 क्रिकेट विश्व कप में 30 जून 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में कुलदीप ने अपना 50वां एक दिवसीय मैच खेला और 18 दिसंबर 2019 को वेस्टइंडीज के खिलाफ कुलदीप यादव एक दिवसीय मैचों में 2 हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने। हम कुलदीप यादव के उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, वो फ्यूचर में भी ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम।
यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन में सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।